हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट एंड होप सो यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन के बारे में। जैसा कि आपने इसे प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा है इन इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में, कि उसमें हमारे पास क्या होता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कंजर्व्ड, ठीक है। और इस आर्टिकल में हमारे पास क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में बताया गया था कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लूइड स्पीड इन अ पाइप और इन अ क्लोज बॉडी इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। एंड इन बर्नौली इक्वेशन हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंजर्व करते हैं और इसमें कंजर्व होता है, तो हम इसकी डेरिवेशन भी फुल ड्राइव करेंगे कि कैसे कंजर्व होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये जो है बर्नौली इक्वेशन, ये बेसिकली हमें बताती है कि द सम ऑफ प्रेशर, द सम ऑफ प्रेशर इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। ये इसकी फिगर मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। ओके फ्रेंड्स, इस इक्वेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये पी जो है ये प्रेशर को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेशर, ठीक है। ये जो है ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, एक सेकंड, ये जो है हाइट को, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है ये। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले प्रेशर पी, ये जो लग रहा है वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ड्यू टू इन अ क्लोज बॉडी जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की शेप में होती है, ठीक है, वेलोसिटी। और ये जो है हाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट को शो कर रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो है यहाँ पे अमल हो रहा है, यहाँ पे वो रिएक्शन कर रही है, इस वजह से हम इसको हाइट कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसकी फिगर पे आ जाते हैं कि इसकी फिगर में क्या हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं कि ये जो है ये प्रेशर पी वन है। अभी हमने अप्लाई किया, पहले इसकी फिगर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है ये फ्लूड है, ये फुल फ्लूड इससे कवर है। यहाँ पर जो है हमने इसका कुछ पॉइंट ले लिया फ्लूड का डेलेक्स वन, ठीक है, और ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये इसकी डिस्टेंस जो कवर कर रहा है फ्लूइड, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है, एक सेकेंड, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्लूइड डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको डायरेक्ट वन कहते हैं। उसके साथ जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास वो ए वन है, ठीक है, और ये है ए टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर भी जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको डेल एक्स टू कहेंगे हम। तो इसके साथ साथ जब हम इस पर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड पार्टिकल्स जो है उनकी मूवमेंट होगी। जब इनकी मूवमेंट होगी तो आगे फर्दर जो है उनकी मूवमेंट अकर होगी, ये मूवमेंट इस साइड के दूसरी साइड। ओके, अब यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे पी टू, ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, ये फ्लूइड पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स को बैकवर्ड साइड जो है उसको पुश करेंगे, मतलब बैकवर्ड साइड धकेलेंगे। ये क्यों धकेलेंगे, क्योंकि आपने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा हुआ है कि एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, ठीक है। अगर आप किसी पर एक्शन करोगे तो आपको ऑपोजिट जो है रिस्टोरिंग जो है वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जैसे कहते हैं हम लोग। तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं ये इस पे ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। अब इसको ये जो है, एक सेकंड, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये फ्लूइड पार्टिकल्स आप इनको कह सकते हैं कि ये इस पे नेगेटिव फोर्स लगा रहे हैं, ये ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये हाइट, वेलोसिटी ड्यू टू हाइट इसकी जो मूवमेंट हो रही है। तो अब इसकी हम डेरिवेशन पे जाते हैं। देखिए, जब ये फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ से इस साइड मूव करेंगे, ठीक है, इस साइड जब मूव करेंगे तो वो वर्क करेंगे, ठीक है। सो वर्क डन बाय द फ्लूइड पार्टिकल्स, हम क्या कहते हैं, हमारे पास वर्क डन का क्या फार्मूला है, एक सेकेंड, ओके, वर्क डन का क्या फार्मूला है हमारे पास, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ओके, अब हमारे पास क्या है, फोर्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। प्रेशर ही हमारे पास जो लग रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, पी ए इज इक्वल टू एफ। सो वर्क डन फॉर दिस केस, इस केस में अगर हम देखें कि वर्क डन क्या हो रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू, इस केस में हमारे पास वर्क डन होगा, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी ए एंड डिस्टेंस, इस केस में हमने डिस्टेंस डेल एक्स लिया है, तो डेल एक्स लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इस केस की बात कर रहे हैं ना, तो इस केस में हम लिखने के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू
पी वन ए वन डेल एक्स वन। ओके सिमिलरली जब हम इस केस की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि ये ओपोजिट वर्क कर रहा है, ठीक है, इस पे जोर लगा रहा है, नेगेटिव साइड पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, सॉरी इसको रिपेल कर रहे हैं बैक साइड की तरफ, तब हमारे पास ये जो है पी टू आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं। रिपेल तो खैर टकराव को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई टकराव नहीं हो रहा, बस रिपेल बैक साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन है, हम इसमें से टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे, ठीक है। टोटल वर्क डन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, पी वन ए वन डेल एक्स वन माइनस पी टू ए टू डेल एक्स टू, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या फार्मूला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, इसमें देखिए आप ए एरिया ए वन डेल एक्स वन, हमारे पास अगर इसकी हाइट को भी हम कंसीडर कर लेंगे, टाइम जो टाइम ले रहा है, ठीक है, डेल एक्स वन और डेल टी, ये जो टाइम ले रहा है अगर हम इस टाइम को भी साथ कंसीडर कर लें, तो इस केस में डेल टी वन डेल एक्स टू और डेल टी टू, ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन लेंथ्स आ गई हैं, ठीक है, तीन लेंथ्स जब आएंगी तो वो हमारे पास एक वॉल्यूम में कन्वर्ट हो सकता है। हम इसको लिख सकते हैं पी वन, क्योंकि वॉल्यूम जो है हमारे पास क्यूब को शो करता है, लेंथ विड्थ एंड हाइट को, ठीक है। तो हमारे पास जब ये तीन चीज़ें आ जाएंगी तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी माइनस पी टू वी डब्ल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इजीली स्टेप किए यहाँ पे। ओके यहाँ पे जब आएगा हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं वी, सॉरी वी कॉमन ले लेते हैं, पी वन माइनस पी टू, ठीक हो गया, ये डब्ल्यू है। अब आप देख सकते हैं डेंसिटी हमारे पास का फार्मूला, डेंसिटी का, डेंसिटी को हम लोग कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू जब निकाली तो वॉल्यूम ये हमारे पास ये वैल्यू बन गई, ठीक है। ये हम लोगों ने लिखा वर्क डन, टोटल वर्क डन एम बाय रो पी वन माइनस पी टू, ठीक है। अब देखिए आगे हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखना है, फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को फाइंड करना है। जब ये फ्लूड पार्टिकल इस साइड से साइड मूव करेंगे तो जहरी बात है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी अगर होगा हमारे पास, तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आता है वन बाई टू एम वी स्क्वायर टू माइनस वन बाई टू एम वी स्क्वायर वन, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। अब हम क्या करेंगे, हमने टोटल वर्क डन की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इस वैल्यू के साथ, हम लोग इसको टोटल ओवरऑल लिख लेते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, ये वर्क डन आ गया टोटल हमारे पास पी वन माइनस पी टू, ये जल्दी से हम लोग इसको लिख लेते हैं वन बाई टू एम वी स्क्वायर माइनस वन बाई टू वी स्क्वायर वन, ओके प्लस एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। ओके स्टूडेंट्स होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम जल्दी से इसकी कटिंग कर देते हैं, देखिए एम मास यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी, आप सब में देख ले मास इस पूरी क्वेश्चन में आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसको वन बाय रो कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से ये जितने भी एम है इनको कॉमन लेके हम लोग इस एम के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बच गया एम वी ये माइनस वन बाई टू वी वन स्क्वायर प्लस जी एच टू माइनस सॉरी जी एच वन, ठीक हो गया। अब ये रो जो है, ये डेंसिटी जो है, ये हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, पी वन माइनस पी टू यहाँ पर रह जाएगा वन बाई टू रो टू स्केयर माइनस वन बाई टू रो वी वन स्केयर प्लस रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। ओके स्टूडेंट्स
यहाँ से आगे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस की अलग वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और पॉजिटिव की जो वैल्यूज़ है वो अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये पी वन यहाँ पे आ जाएगा, पी वन नेगेटिव को सेट ले आए, प्लस वन बाई टू रो वी वन स्केयर प्लस रो जी एच वन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो नेगेटिव है ये साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, पी टू प्लस वन बाई टू रो वी टू स्केयर और प्लस रो जी एच टू। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू है अगर हम देखें तो ये कंजर्व हो चुकी है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ कंजर्व एवरीवेयर इन अ फ्लूइड। अब देख सकते हैं इसमें ये हमारे पास क्या हो गया, ये कंजर्व हो गई है। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अगर आपको किसी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अब तक के लिए इतना ही, इसके बाद आपको इसकी एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में बताया जाएगा कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।